आइए जानते हैं जगन्नाथ स्वामी से जुड़ी आश्चर्यजनक जानकारियां। जगन्नाथ पुरी से जुड़ी प्राचीन मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है और धड़कता है। जगन्नाथपुरी यह पवित्र निवास भगवान जगन्नाथ को समर्पित है जो भगवान कृष्ण का एक रूप है। यहां भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की जाती है। कोई छाया नहीं, चाहे धूप हो या बारिश, जगन्नाथपुरी के भव्य मंदिर की छाया कभी किसी ने नहीं देखी। हमारे पुराने इंजीनियरों की वास्तुकला कौशल के कारण मुख्य गुंबद की छाया कभी नहीं देखी जा सकती है। पुरी जगन्नाथ धाम मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिसे बैसी पहाचा भी कहते हैं, और ये सभी सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों का प्रतीक हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये 22 सीढ़ियां काफी रहस्यमयी हैं और इन सभी के नाम हैं। ये भी मान्यता है कि यहां से गुजरते वक्त भक्तों को तीसरी सीढ़ी का खास ध्यान रखना होता है। भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी क्यों होती हैं? दरअसल भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी आंखें ज्ञान, करुणा और दया का प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए जगन्नाथ जी की आंखें बड़ी होती हैं। और भगवान जगन्नाथ जी के हाथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि मूर्तिकार की शर्त थी कि मूर्ति बनाते समय कोई देखे नहीं, लेकिन मूर्तियां बनाते समय गुंडिचा देवी आ गई और उन्होंने मूर्तियां देख ली थी। बस हाथ, पैर और पंजे बनने बाकी थे, इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है। जगन्नाथ मंदिर 14 दिनों के लिए बंद क्यों होता है? माना जाता है कि स्नान के पश्चात प्रभु जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं। इस कारण से 14 दिनों के लिए मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं और भगवान एकांतवास में चले जाते हैं। इसे अनवसर काल भी कहा जाता है। और इसी तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।